आफ्टर 10 तो आपका ब्रंच शुरू हो जाएगा। ब्लैक इडली तो ये क्या है, मतलब क्या चीज है ये? बोले यार अन्ना, इडली सफेद होती है, तूने उसको हरा कर दिया, लाल कर दिया, काला करके, काला क्यों नहीं हो सकता? इडली तो 50 रुपीस से स्टार्टिंग है, अच्छा, अप टू 1200 रुपीस। 1200 की कौन सी है? ये डाल दो अपने हिसाब से, थोड़ा ये यादव जी तो फुल ऑन, बस बस इधर इधर। हाय गाइस, सन विद दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, एंड गाइस दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। आज आपको वाइट इडली नहीं, ब्लैक इडली दिखाऊंगा मैं तेरे को, ग्रीन इडली दिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें होगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वेजी बाजी नागपुर का ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको, आ जाओ। कॉमेंट्स भी कर दिया करो बढ़िया। क्या लगा रहे हैं आप? ये अभी लगा रहा हूँ हरा भरा। हरा भरा मतलब कितने टाइप की इडली है आपके पास? यहाँ पे मोर देन 135 टाइप्स की इडली हम लोग बनाते हैं। अच्छा, बना चुके हैं। तो ये कैसे आपको, मतलब इडली के साथ ज्यादा लोग वेरिएशन नहीं करते, कैसे आपने स्टार्ट करा इसको? इडली वैसे ही हेल्दी फूड है। हाँ, तभी ना। तो क्यों ना, मतलब पहले जब मैं जॉब करता था, अच्छा, प्रीवियसली आई वाज टू बी एन इंटरनेशनल बिजनेस हेड, अच्छा, तो उस टाइम पे रोमिंग करते करते कभी भी मेरे को हेल्दी फूड खाने को कभी नहीं मिला। एंड इडली वाज माय पैशन सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? बॉर्न इन आंध्रा। अच्छा, तो तभी वो इडली का फैसिनेशन है। हाँ जी, तो इडली खाने को नहीं मिला, फिर आपने इडली सोचा? में ही फिर हमने सोचा कि यार, और ऊपर से कैसा है, ट्रेडिशन से हट चुका था ऑलमोस्ट। सांबार साउथ इंडियन डिश नहीं है, साउथ में भली बनाई गई है, लेकिन इसको बनाने वाले थे द ग्रेट छत्रपति संभाजी महाराज। अच्छा, यहाँ पर मराठी में बोलते हैं आरन, पतली दाल को। अच्छा जी, तो संभाजी आरन सांबार, ऐसा सांबार कहलाया सांबार। ओके जी, अच्छा, ये आज नहीं वो नॉलेज में ऐड हुआ। अभी आपको ये वाला ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, आपकी टाइमिंग्स भी थोड़ी फास्ट वाली है, मतलब कितने बजे खत्म हो जाता है? देखिए, बेसिकली आई बिलोंग टू साउथ एंड साउथ इंडियंस आर ऑलवेज अर्ली राइजर्स एंड अर्ली गो टू बेड पीपल। अच्छा, ओके, सो द ब्रेकफास्ट टाइम शुड बी ऑलवेज बी इन अ प्रॉपर टाइम। हां, टिल 10 इट्स बेस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। टिल 10 एंड आफ्टर 10 तो आपका ब्रंच शुरू हो जाएगा। मैं आपको रेड्डी जी बोलूं? चलेगा चलेगा। और कार्ट का नाम? कार्ट का ऑल अबाउट इडली। ऑल अबाउट इडली बहुत एप्ट नाम है। एक्चुअली इसका नाम के पीछे में भी बहुत वो था। अच्छा, क्या स्टोरी है इसका? पहले हमने रखा था इसका नाम आई करके, ए ए आई। एक्चुअली रीजन कुछ और था। अच्छा, आई मीन्स होता है मदर। डीप नॉलेज में चलेगा आप जी। अच्छा, आई। अच्छा, आई मीन्स मराठी में होता मदर, मदर, मदर। लेकिन साउथ इंडियन और आई, यहाँ पर कई सारे लोगों का फिर वो डिस्कशन चला कि वो रेजोनेट नहीं हो पाया, वो कुछ मैच नहीं हो रहा है। हाँ। मैं बोला यार मदर जैसा जो बनाते हैं, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ साउथ में जो जैसा बनता है विद चटनी सी सर्व होती है इडली हमेशा। अच्छा, हाँ। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, ये नाम यहाँ पर मेरा कंसेप्ट शायद लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए जो लोगों को समझ आए। यस, तो फिर हमने फिर वेरिएशंस देना शुरू कर दिया, और जब इडली में वेरिएशंस देना शुरू कर दिया, देन आई थॉट दैट वी शुड वर्क ओनली ऑन इडलीज, देन फिर वो ऑल अबाउट इडली, देन वो ऑल अबाउट इडली क्रिएट हो गई। ये बन रहा कौन इडली? 7:30 और कस्टमर्स ऑलरेडी आके वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी फोन्स आ जाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, कि कब इडली बनेगी। घर से निकलने का रहता हूँ, फोन्स आ जाते हैं, भैया का तो सवेरे सवेरे फोन आ गया था मुझे। इसको कितना टाइम हो गया इधर? 6 years। 6 years। और इसका एड्रेस क्या है? लेडीज क्लब टू सीपी क्लब रोड। अच्छा, ऑपोजिट चिमन शाह दरगाह। लेडीज क्लब चौक के लेफ्ट लेते हैं ना। हाँ, जब एक नॉर्मल इडली की कॉस्टिंग जब देखी जाए, हाँ, तो लोग 20-30 रुपए 40 रुपए के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करते, नहीं करते। राइट, हाँ, right? अब जब इसमें इतना सारा ऑप्शंस एड ऑन होगा, तो बट ऑब्वियसली प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेगा। तो उसके लिए जो क्राउड चाहिए या उसके लिए जो पब्लिक उसको जो पसंद करने वाले लोग चाहिए, वो सब हमको इसी एरिया में मिलेंगे। ब्लैक इडली तो ये क्या है, मतलब क्या चीज है ये? बोल सकते हो एक तरीके से दिस इज अ काइंड ऑफ चारकोल। अच्छा, बट दिस इज होम मेड। अच्छा, इसमें डाला गया है कोकोनट आउटर शेल, ऑरेंज पील्स, बीट जूस और बीट पल्प, सन ड्राई रोस्ट किया जाता है। तो अच्छा, ड्राई रोस्ट करके उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट। हाँ जी, ड्राई रोस्ट जब होता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स फॉर ड्राई रोस्टिंग। अच्छा, तो ये आपको आज बनाना है, तो आप कल सुबह इसको ड्राई रोस्ट, ये बनके, ये बनके हो चुका है ये। अच्छा, पूरा हम बल्क में लॉट में बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसको हम बकायदा
नहीं नहीं, स्टोर करने के पहले हम इसका लैब टेस्टिंग करवाते हैं। अच्छा, बिना लैब टेस्ट का हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर का टॉक्सिसिटी लेवल सबसे ज्यादा चेक करना जरूरी है। जी, जनरली बोला जाता है चारकोल 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 अच्छा होता है सेहत के लिए, बट आपको इसका वो चाहिए ही चाहिए। हाँ। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, लेड, मतलब मैग्नीशियम नहीं सॉरी जिंक और लेड का क्या प्रमाण है, इसमें टॉक्सिसिटी लेवल्स कितना है, वो सब चीजें तभी समझ में आती है। चारकोल थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी थोड़ा स्केप्टिसिज्म वाली चीज रहती है। हाँ, इसलिए आप अपनी साइड से उसको करके रखो। हाँ। इसमें हमारा एक मित्र है, सरदार है ऊपर से। अच्छा, कोविड में हम उनके घर पे रुके हुए थे। अच्छा, छुट्टी मनाने के लिए तुमने आइडिया दिया, बोले यार अन्ना इडली सफेद होती है। हाँ। तुमने उसको हरा कर दिया, लाल कर दिया, काला क्यों नहीं हो सकता। तब हमने जब निकाला, पूरा रिसर्च किया, स्टडी किया, कुछ इंटरनेशनल शेफ से डिस्कस किया। अच्छा, तो उन्होंने बोला स्क्विडिंग का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा। मैं बोला यार तुम लोग फॉरेनर, स्क्विडिंग तुम लोगों को चल जाती है, दैट इज अ नॉनवेज सोर्स। हां हां हां, बराबर है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंडियंस। हां, एंड दिस इज एन एंशियंट टेक्नोलॉजी जो लोग अभी भूलते जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कई साल पहले इसको लोगों को, बच्चों को पिलाया जाता था घुट्टी टाइप में बचपन में। तो इसके ऊपर फिर रिसर्च किया, स्टडी किया, तब जाके पता चला कि यार दिस इज गुड फॉर हेल्थ बट कुछ लिमिटेशंस में। ये प्रोपोर्शंस बहुत मैटर करते हैं, बट इसका कॉशन भी है। मतलब हम अपनी तरफ से कॉशन रखे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज एंड गर्ल्स बिलो 18 इयर्स, बिकॉज इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है ऐसे ड्यूरेशंस में। तो वो टाइम के लिए हम मना कर रखे हुए हैं। ठीक, जैसे एलोवेरा हो गया, मतलब कंट्रोल्ड क्वांटिटी में बहुत अच्छा है, बट ज्यादा लोगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। और ऐसी चीजें, मतलब डोंट कोट मी बाय दिस, मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या खाने वाले हैं, ये सारी हम लोगों ने बातें करी, बड़ा मजा आया, पर मुद्दे की बात है खाना क्या खिलाओगे। खाने में हम आपको दे देंगे, अच्छा जो आपने सारी इडली लगाई ना उसका एक एक पोर्शन दे दो। श्योर, डेफिनेटली, है ना भाई, चलेगा, प्लेटर हो जाएगा इडली प्लेटर। कोई ऐसा प्रोडक्ट है, इस्तेमाल होता है प्योर इडली का बैटर ना, हम राइस का इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, प्योर रवे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या सब चटनी के साथ होती है, आप कहने सांबर के साथ नहीं सर्व करते आप? देखिए इडली का असली मजा उसके चटनी के ही साथ होती है। अच्छा, सॉफ्ट टाइप में, राइट, रहती है, और उसमें टेस्ट जो है एकदम नॉमिनल न्यूट्रलाइज टेस्ट रहता है, राइट, ऑफ कोर्स, और ऊपर से स्टीम, तो उसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट जो देना है, ठीक ठीक ठीक, स्पाइस देना है, सॉल्ट देना है, खट्टापन देना है, वो मतलब इडली एकदम सॉफ्ट है, न्यूट्रल फ्लेवर है, उसको चटपटा किक देने वाली चीज है, वो चटनी करेगी। बिल्कुल, चेन्नई गया था तो मैंने वहाँ पे सांबर डिप्ट वाली इडली खाई थी, वो क्या चीज होती है? बटन इडली? नहीं नहीं, छोटे से बटन इडली भी लगा लो। एक्चुअली ये जो बनाया गया था ना डिश, हाँ, जब छत्रपति संभाजी महाराज ने बनाया, हाँ, तो ये बनाया था तंजावुर में। अच्छा, विच कम्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, तो तमिलनाडु वालों ने इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस दे दिया। सो That's how this dish became South Indian dish. अच्छा। और ये चीज यहाँ पर लोगों ने नहीं अपना पाया क्योंकि बनाया वहाँ पर था महाराज ने। हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ का शेफ ने देख लिया था, वो है। तो वहाँ से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुई पूरी। ओके, तो इसलिए तमिलनाडु में इडली, उसके साथ में बैंगलोर साइड पे भी लोग चटनी के साथ खाते, चटनी के ही साथ चटनी के साथ खाते हैं। जी, तम आप आंध्रा जाइए, कर्नाटका जाइए, किसी भी पार्ट में जाइए, आपको चटनी के ही साथ जनरली इडली खाते हुए दिखाई देंगे। क्या बना रहे हो? ये भी काली चरण वड़ा बनाने जा रहा हूँ। काली चरण वड़ा, इसमें टेस्ट भी वैसे ही होगा? वैसा ही होगा। ये वड़े से काफी अलग टेस्ट आएगा आपको खाने में, क्योंकि इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स टोटल डिफरेंट है। हाँ, सिर्फ है वड़े का ही बैटर है, वड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहा था चटनी में डाला आपने। जी जी जी, तो ये थोड़ा अपने आप में चटपटा होगा, चटनी के बिना भी आप खा सकते हो। यस, ऐसा चाहिए, खुशबू से ही पता चल रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इडली तो 50 रुपीज से स्टार्टिंग है। अच्छा, अप टू 1200 रुपीज। 1200 की कौन सी है? मास ग्रांडे इडली है। मास ग्रांडे इडली है जी, दैट इज 3.5 kg। हाँ, यादव जी। अच्छा, वो ऐसे बड़े साइज की इडली है। यस, एंड फुल स्टफिंग इनसाइड। अच्छा, फैंसी। अभी और एक डिश आने वाली है, काला बाजार करके, फिर दूसरा आएगा काला सोना करके।
नाम बड़े आपके फिल्मी है, इन पे पिक्चरें लॉन्च हो जाए नामों पे। अच्छा हाँ ये बात ही सही है, क्योंकि ये तो ये होता है टाइम कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। ये पका या नहीं पका, अगर ये थोड़ा और पक जाए तो जल जाएगा। अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा, खाने वाले को समझ में आएगा। थोड़ा सा पकेगा तो जल जाएगा, थोड़ा सा पकेगा और थोड़ा जल जाएगा। नहीं अभी तो ये पकने का है और, लेकिन एक्स्ट्रा अगर थोड़ा सा पक गया तो कस्टमर गाली मारेगा। ये अलग कपड़ा रहता है भैया, इडली के स्टीमर के इसमें डालने के लिए हम लोग के कपड़े अलग आते हैं, ये साउथ से ले आते हैं हम। ये वो देखा था ना हमने हैदराबाद में, हैदराबाद में एक इडली शॉप है, वहाँ पे इडली इतना बनाते हैं वो लोग, मशीन रखी हुई है उन्होंने वॉशिंग मशीन धोने के लिए, वॉशिंग मशीन रखा हुआ, वॉशिंग मशीन वहाँ पर चलता है ना उतना, बहुत मतलब बहुत चलता। देखिए जहाँ चलन बढ़ गया तो बट ऑब्वियस इसको मेंटेन करने के लिए एक इंसान रखने से अच्छा भैया 3,000 रुपए का वॉशिंग मशीन ही बिजली खाएगा ना ज्यादा से ज्यादा। वो सही है सब, यानी कुछ आ चुका है और बाकी कुछ आ रहा है, रोज का मेन्यू वेरी करता है। हाँ जी, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के हाँ जी शेयर कर देते हो, तो जो लोग आने वाले हैं मोर देन 2000 अब तक 2500 के ऊपर ऊपर अब तक लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा आपने हमारे व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना रखा है। हाँ जी ये आ गया हमारा ब्लैक प्रोडक्ट। आपने व्हाइट इडली खाई होगी बट एक दिन रेड्डी जी को ख्याल आया इडली ब्लैक क्यों नहीं हो सकती, तो ये है ब्लैक इडली। ऐसा क्या? हाँ चलो रेडी जी अब हम नीचे चलते हैं टेस्ट करते हैं। चलिए चलिए आप टेस्ट कीजिए, आप फाइनल कीजिए। हाँ जी ठीक है ओके। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले प्लेन इडली से स्टार्ट करते हैं, फिर ये कलरफुल प्लेट है ना। हाँ भाई बड़ा मजा आया मेरे को तो, अब मैं टेस्ट करूंगा और एकदम हम लोग सेटअप देख रहे हैं ऐसे, वो हम लोग सैटरडे फन वीडियोस करते हैं ना एकदम ऐसे सिट डाउन वीडियोस। यस ओनली ऑन वेजी पाजी, ओनली ऑन वेजी पाजी, इतना बढ़िया सेटअप कहाँ मिलेगा। ये रवा बेसिकली फ्राइड रवा जो इडली का बैटर होता है उसी को फ्राई करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पुन्नू गुल्लू, चटनी और गन पाउडर के साथ। थोड़े डेंस है अंदर से, बाहर से क्रिस्पी, चटनी एकदम बहुत सही और मैड रश लगा हुआ। संडे के दिन हम लोग यहाँ पे आए, बहुत सही है ना। फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ये प्लेट के अंदर इडली डालते हैं, चटनी डालते हैं, उसके ऊपर गन पाउडर डालते हैं, पूरा भर देते हैं, वो सोक हो जाती है। अच्छा घी, घी भी डालते हैं ये यादव जी तो फुल ऑन बस यादव जी डाला जाता है सारी सेल आज इसमें भी। ये रवा होने के बाद भी कितनी सॉफ्ट आ रही है ना। Yes. स्टीमर में बनाया और वो इसमें ना सॉफ्टनेस वो कपड़े का भी इसमें खेल है, बहुत खेल आता है जो टेक्सचर ही ऐसा आता है ना। हाँ। नॉर्मली आपके जो राइस इडली होते हैं उसका टेक्सचर बहुत अलग आता है, इसका रवा इडली का टेक्सचर ऐसा लाना एक अलग बात होती है, वाइट आ रहा है ना, क्रंच आ रहा है ना, वही वही चीज अच्छा लगता है। मेरे को ये मिक्स वाली समझ है, पूरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, जो चीज आपको पसंद आए वो मुझे ना आए, जो मेरे को पसंद है वो आपको ना, बट एक चीज कॉमन है कि आप लोग यहाँ पे आओगे आपको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा क्योंकि इतनी वैरायटीज है। आपने इडली खाई होगी पिंक, आपने इडली खाई होगी ग्रीन। हाँ अच्छा आपने नहीं खाई होगी पर आपने देखी देखी होगी, आपने चटनी देखी होगी ग्रीन, आपने चटनी देखी होगी रेड, बट क्या आपने देखा है ब्लैक? भाई कौन सा, मैं बड़ा खाता हूँ आप इडली खाओ चलेगा। ये देखो ये घी, घी के साथ जो मजा आता है ना बाइट में, तेरे को मन कर रहा नहीं है बाइट में ऐसे जब मैंने करा मन कर रहे ना यार, ये मेन नहीं दोनों ही टेस्टी होंगे यार, दोनों ही टेस्टी होंगे। बड़ा बाइट लेगा मैं, यस श्योर। वो जैसे इबोनिया एवरी लगता है ना मेरे को, तो वही लग रहा है कि मैं आइसक्रीम ब्राउनी के साथ क्रीम कैसे, बट ये तो कुछ वैसा है नहीं भाई, मैं तो इसी में बैठता हूं। बहुत सटल सा डिफरेंस है, ये बड़ा तो बहुत सही है, कैसे बताऊं, अर्दी सा फ्लेवर आ रहा है। नाइस यार, ये वाइट इडली और ब्लैक इडली देख के ना मेरे दिमाग में एक जोक आ रहा है, वो ना बहुत सालों पहले ना TVF का एक ट्रोल वीडियो आया था रोडीज का, उसका एक मीम है, इसमें तो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा वाइट इडली ब्लैक इडली का वो तो ठीक है, इसमें मसाला वगैरह भी है। हाँ मसाले, इन्होंने ना हरी चटनी डाली थी इसके अंदर, प्याज डाला था, जीरा भी है, हरी चटनी भी है, प्याज भी है। हाँ एक घी डाल के इतना मजा आ रहा है, अलग सा ही बन रहा है कुछ घी डाल के। भाई चटनी बढ़िया, इडली सर गुड, दिस गुड, बहुत सही, मेरे को मजा आ गया। याद है ना क्या करना, वीडियो क्या करना होता है, वीडियो को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, बता दो। सुबह सुबह हो यार, मैं बहुत सुबह सुबह उठ गया हूं, वीडियो को क्या करना है, मैं जा रहा हूं सोने, आप बताओ क्या करना है। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब,
और कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया से ऐसे ऐसे ऐसे। हम एक घंटे से यहाँ पे शूट कर रहे हैं और अभी तक 8:30 बज रहे हैं, मतलब ये लोग आ गए होंगे 7 बजे के खाना खा रहे और भीड़ लग रही है। मिलते हैं किसी और जगह पे। बाय बाय।